गए पिताजी हमारे पूछे ओकर बाद पूछे के बाद उन्होंने ऊपर छत से गोली मार दी है कल शाम 8 बजे। आप कौन हैं उनके? हम उनको बहू हैं। अच्छा, आपका नाम? हमारा सविता देवी। क्या मांग करते हैं प्रशासन? मान यही कहता है सर कि उनको फांसी हो जाए बस। हमारे पिताजी का मर्डर हो गया है। अच्छा, कितने तारीख को हुआ था? 8 तारीख 9 महीने 2021। कब हुआ था, कितने बजे? 7:30-8 के बीच मर्डर हुआ है। अच्छा, कहाँ पे हुआ था? ये हमारे ग्राम पंचायत सेमरा में हुआ है। अच्छा। ठाकुर बस्ती में। ठाकुर बस्ती? हाँ। क्या किसी पे शक है, कौन मारा कौन नहीं, कौन मर्डर? हाँ, शक है। शक क्या हो, साक्षात उसका नाम है जितेंद्र सिंह। दो लोग और हैं। अभी गिरफ्तार नहीं किया? अभी कोई नहीं गिरफ्तार हुआ है। प्रशासन आई थी, कोई गिरफ्तार नहीं हुआ है। उनके क्या लगते हैं आप? वो हमारे पिताजी हैं। आपका नाम? अनिल कुमार। डेड बॉडी कहाँ है? डेड बॉडी इस समय पोस्टमार्टम हाउस गई है। क्या वापस आएगी डेड बॉडी? हाँ, आएगी वापस। क्या मांग? आर्थिक सहायता। आर्थिक सहायता और गिरफ्तारी भी? तो गिरफ्तारी। हाँ। जो मौजूद थे कोई वक्त पे जब मर्डर हुआ? हमारे भाई साहब थे। क्या भाई साहब हैं? नहीं, वो पोस्टमार्टम हाउस गए हैं। माता जी ये बताइए क्या हुआ है आपको? हाँ भैया, हमारे लड़का झगड़ा कर हमारा मन पूछे गवाह बस गोली चला दी है ना, पूछा इन गवाह रहे लड़के झगड़ा करे रहे। मर्डर कर दिए? हाँ, गोली मार दी है हमारे भैया के, गोली मार दी है। अरे ये सेमरा के ठाकुर हैं। नाम हम जानते हैं? गीतेन सिंह। हाँ, गीतेन नाम बा। गीतेन सिंह आप जानते हैं दादी? हाँ। क्या नाम? गीतेन सिंह। कितने लोग थे? चार लोग थे। कब का मैटर है, कितने? 7:30-8 बजे। 7:30-8 बजे। क्या नाम है आपका? हमारा नाम सुशीला। आपको आपके पति को गोली मारी? हाँ, आपके पति हमारे पति को गोली मारी। सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप इस घटना को कवर करने के लिए आए हैं। जैसा कि आज सुबह ही हमें पता चला कि यहाँ गांव समरा फूलपुर में थाना सराय नायत में एक घटना घटी है जो कि गोली मार के क्या नाम था भैया उनका? गणेश प्रसाद जी, जो कि इनके बड़े वाले लड़के हैं अनिल जी, जो कि रोजगार सेवक हैं। कुछ दबंग ठाकुरों ने इनके बगल में ही जातिवाद सूचक गालियां दिया, उसके बाद इनको घसीट के घर से मारा और धारदार हथियार से भी मारा, जिससे उस चोट की वजह से उनकी मृत्यु हो गई। और मौके पर प्रशासन जो आ रही है, जिस तरीके से उनका बयान आ रहा है या फिर जो FIR, अभी तक आरोपी को पकड़ा नहीं गया है। तो मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि जो ये घटना घटी है, इसके जो भी जिम्मेदार हैं उनको जल्द से जल्द पकड़े, कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें और मुलजिम को उसको उसके किए का सजा दें। अन्यथा अगर पुलिस इसमें लापरवाही करती है, लीपापोती करेगी, तो वो एक बड़े आंदोलन के लिए तैयार रहें। हम इनके साथ हैं, पीड़ित परिवार के, और जो कुछ भी होगा हम इनके साथ में हैं, इनको न्याय दिला के रहेंगे। मेरा नाम शिव शक्तिवर्धन है, राष्ट्रीय अध्यक्ष बहुजन आवाम पार्टी। मान लो, आप सुनने में आ रहा है कि कल शाम को 7:30 बजे यहाँ के रहने वाले गणेश जी के बेटे के साथ यहाँ के कुछ लोगों ने मारपीट किया। तो जब गणेश जी ने वहाँ पर उनकी शिकायत करने गए तो वहाँ पर उनके साथ मारपीट किया है और धारदार हथियारों से गोली से मारी गई है। और उसके बाद अभी तक FIR में 3 लोगों के खिलाफ FIR हुआ है, अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं की गई है। प्रशासन के लोग डेड बॉडी को जबरन जो है ले गए हैं पोस्टमार्टम के लिए। तभी शाम को पोस्टमार्टम होके आने के बाद हम लोग प्रशासन से मांग करेंगे, जो भी परिवार की मांग रहेगी उसको उनके समक्ष रखेंगे, आर्थिक सहयोग, गिरफ्तारी, तमाम चीज़ें। और हम लोग जोर देंगे कि प्रशासन तीनों आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करे। अगर गिरफ्तारी में या फिर मामले में किसी प्रकार की हीरा हवाली की गई तो हम लोग जबरदस्त आंदोलन करेंगे और किसी भी प्रकार से यहाँ से कोशिश करेंगे कि तीनों आरोपी जल्द से जल्द गिरफ्तार, जेल भेजे जाएँ। आप क्या कहना चाहते हैं इस मामले को लेकर? देखिए, इस मामले को लेकर के हम यह कहना चाहते हैं कि आए दिन घटनाएं हमारे समाज में देखने को मिल रही हैं। अभी कुछ दिन पहले ही यहीं से बगल के गांव में चकिया घरहरा में श्रद्धा पासी के साथ बलात्कार हुआ और उसकी हत्या कर दी गई, और वो भी ठाकुर जाति के लोगों ने ही किया। और आज यहां पे भी गणेश प्रसाद जी की जो हत्या हुई वो भी ठाकुर जाति के लोगों ने किया, क्योंकि ये सरकार
अभी ठाकुरों को संरक्षण प्रदान कर रही है, लेकिन उसके बारे में मैं कहना चाहूँगा मेरा समाज भी जिम्मेदार है, क्योंकि हमारा समाज इकट्ठा नहीं हो रहा है। आज एक श्रद्धा पासी के साथ हुआ तो इस सेमरा गांव के लोग नहीं इकट्ठा हुए होंगे, आज सेमरा गांव के साथ हुआ है तो लोग आज देख रहे हैं कि हमारे साथ अन्याय हो रहा है। तो मैं एक संदेश देना चाहता हूं कि प्रत्येक लोगों को ये मानना होगा कि गणेश प्रसाद मेरे बाप थे, तभी इस लड़ाई को हम लड़ सकते हैं। और जो ठाकुर लोगों ने हत्या किया है उनको जेल भेजा जा सकता है, जिन लोगों ने भी ऐसी घटना को घटित किया है मैं उनका निंदा करता हूं। और जो पुलिस प्रशासन लीपापोती करने का काम कर रही है, गोली मारी गई है लेकिन अभी प्रशासन और मीडिया मिलकर के उसे दबाने की कोशिश कर रहा है, दिखा रहा है कि लड़ाई झगड़ा हुआ और मारपीट में, और ये जान बचाने के चक्कर में गोली मारी गई। आगे मांग क्या है? हमारी मांग यह है कि पीड़ित परिवार जो है उसको 50 लाख का मुआवजा दिया जाए, और जो उनके बेटे रोजगार सेवक हैं उनको सरकारी नौकरी दिया जाए, और साथ ही साथ जो आरोपी हैं जिनके नाम से FIR दर्ज हुआ है उन्हें तत्काल प्रभाव से जेल भेजा जाए। अगर ऐसा नहीं होता है तो हम जितने भी बहुजन समाज के संगठन के लोग हैं, बड़े भाई शिव शक्तिवर्धन जी हैं, मदन सरोज जी हैं, बहुजन युवा एकता मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष गुड्डन राज पासी जी हैं, और मैं भारतीय विद्यार्थी मोर्चा के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि सारे संगठन एकजुट होकर एक बड़ा आंदोलन हम लोग करेंगे अगर न्याय नहीं मिलता है तो। देखिए लगातार हमारे समाज पर रोज, ऐसी कोई दिन नहीं है, ऐसा कोई समय नहीं है जब तक हमारे समाज के ऊपर रोज घटनाएं घट रही हैं। इस घटना की मैं घोर निंदा करता हूं, और जब तक न्याय नहीं मिल जाता तब तक हम लोग यहां बैठे रहेंगे। और लगातार यहां धराहरा में एक हुआ था श्रद्धा पासी की हत्या कर दी गई बलात्कार करके, वहाँ भी ठाकुरों ने किया और यहाँ भी ठाकुरों ने हत्या की है। हम इसकी प्रशासन से मांग करते हैं इस परिवार को 50 लाख का मुआवजा दे, और 2 ठी लाइसेंसी बंदूक दे, और 1 लड़के को उनकी नौकरी दिया जाए, साथ में जल्द से जल्द जो दोषी हैं उनको तत्काल गिरफ्तार किया जाए। अगर इस मामले में लीपापोती करते हैं तो एक बड़े आंदोलन के लिए प्रशासन तैयार रहे। मेरी मांग ये है कि पीड़ित परिवार को मुआवजा मिले और जल्द से जल्द दोषियों को, मैं तो कहती हूँ फांसी होनी चाहिए, क्योंकि जब तक दलित शोषित वर्गों का इतना शोषण हो रहा है इस सरकार में कि जब भी देखो कोई भी घटना दलित के साथ ही क्यों होती है। सरकार कहती है, हमसे पूछती है कि आप लोग हर जगह चले जाते हैं, आप लोग लोगों को बड़गलाने का काम करते हैं, लेकिन मेरा यह सवाल सरकार से है कि हमारा शोषण दलित वर्ग का 85 वर्ग का ही क्यों हो रहा है। मेरी मांग इतनी है कि इन लोगों को लाइसेंस मिले, मुआवजा मिले, और जल्द से जल्द दोषियों को पकड़ा जाए और उनको फांसी हो। इस मैटर में बोलने का तो बहुत कुछ है, बशर्ते जो सरकार की जो रवैया है उस रवैये के तहत अगर देखा जाए तो 85% वर्ग के लोगों को जिस तरह से शोषण हो रहा है, चाहे 85% वर्ग की चाहे बेटियां हो और चाहे युवा हो और चाहे बुजुर्ग हो, लगातार आपको रेप केस देखने को मिल रहा है और हत्याएं हो रही है। अभी जिस तरह से चकिया घरारा में श्रद्धा पासवान जी के साथ हुआ था उस मामले में भी पुलिस प्रशासन बहुत लीपापोती करने में जुटी थी, बशर्ते वहाँ कुछ लोगों के संघर्ष के बावजूद वहाँ पर न्याय मिला, बहुत ही संघर्ष करने के बाद न्याय मिला। लेकिन उसी के बगल जस्ट एक गाँव पड़ता है सिमरा, कल शाम को तकरीबन 7:30-8 बजे के बीच में कुछ ठाकुर बिरादरी के लोगों ने एक दलित परिवार को जो कि पासी जाति से आते हैं वहाँ पर एक लगभग 50 वर्ष के उम्र के व्यक्ति की गोली मारकर और धारदार हथियार से उसकी हत्या कर दी, जिसमें 4 लोग नामजद FIR हैं। अभी तक भी अपराधी जो हैं वो पूरी तरह से फरार हैं, पुलिस उनको गिरफ्तारी करने में पूरी तरह से नाकाम है। लेकिन यहाँ जो पीड़ित परिवार है इनकी आर्थिक स्थिति बहुत ही कमजोर है, और जो इनके बड़े वाले लड़के रोजगार सेवक है, मेरी मांग ये है कि जो रोजगार सेवक है इनको एक सरकारी नौकरी दी जाए, और प्लस शस्त्र जो इनके यहाँ शस्त्र लाइसेंस है लाइसेंस दिया जाए, और जो अपराधी हैं जिस हथियार से उन्होंने जो हथियार था उनका जो रिवाल्वर थी उससे जिससे फायरिंग की उसका लाइसेंस रद्द किया जाए, और 50 लाख की मुआवजे की मांग करते हैं। और नज़दीकी कहीं पर अगर कोई ग्राम सभा की ज़मीन हो तो इनको ज़मीन भी, चूँकि जो ये दलित परिवार है जो पासी जाति के लोग हैं ये भूमिहीन है पूरी तरह से, और इनको खेती करने का इनकी कहीं ना कहीं थोड़े सी ज़मीन की व्यवस्था भी की जाए, ये सरकार से हमारी मांग है। अगर सरकार ऐसी मांगों को अगर नहीं मानती है तो हम लोग एक बड़े उग्र आंदोलन करने के लिए तैयार हैं, और जब तक परिवार को अगर न्याय नहीं मिल जाता तब तक हम लोग यहाँ से हटेंगे नहीं। और पूरे 85% वर्ग के जितने भी पार्टी और संगठन के लोग हैं मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूँ कि आप लोग आके पीड़ित परिवार की मदद करिए और जल्द से जल्द न्याय दिलाने का काम करें।